ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तथा कोरोना से बचाव के लिए डाकिया जागरूक करेंगे। प्रधानमंत्री ने डाकिया के हवाले से अब जागरूक करने की योजना बनाई है। इस तहत नवादा जिले के 187 पंचायतों में घर घर जाकर डाकिया जागरूक करेंगे। इसके लिए जिले के 200 डाकियों को चयन किया गया है तथा आज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तथा नवादा डाक अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर 10 डाकिया टीम को रवाना किया। इसी बाबत उप डाक अधीक्षक ने बताया कि वैसे इलाके जो सुदूर इलाके में है तथा वहाँ राहत सामग्री नहीं पहुँच पाता, उस स्थल का भी चयन किया गया है तथा 200 पैकेट सूखा राशन वितरण भी की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश 80% आबादी गांवों में बसा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव तथा जागरूक करना अति आवश्यक है। इसके लिए डाकिया के अलावा बैनर, पोस्टर तथा होर्डिंग के माध्यम से भी गांव गांव में प्रचार प्रसार किया जाए। आज कार्यक्रम है नवादा डाक मंडल की ओर से डाकिया रथ हम लोग रवानगी किए हैं। यह बिहार में पहली बार नवादा डाक मंडल ये कर रहा है। यह आदरणीय पोस्ट मास्टर मुख्य डाक महाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। नवादा से डाकिया रथ जो है सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना के प्रति बचाव से जितने सभी उपाय हैं उनको गांव-गांव तक सभी लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करेंगे और मास्क लगाने का तरीका क्या, बचाव है इसका, कोरोना से बचने का क्या तरीका है, कैसे हमको बचना है, क्या क्या उपाय करना है इसके बचने के लिए और कैसे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए हमारा आज डाकिया रथ रवाना हम लोग कर रहे हैं, जो पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट या कहिए तो पूरे बिहार में इसका प्रचार प्रसार होगा और इसका हम लोग आयोजन आज शुभारम्भ आज हम लोग यहाँ से किया। आज हम लोग आदरणीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार के निर्देशन में डाकिया रथ नवादा में पहली बार शुरुआत की जा रही है। पूरे बिहार में पहली बार शुरुआत किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को जागरूक करना मुख्य रूप से है, मास्क वितरण करना एवं लोगों को कोरोना के प्रति बताना कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। पूरे नवादा में जगह जगह हम लोग होर्डिंग बैनर लगाकर बताए हैं कि कोरोना से कैसे आप बच सकते हैं और सभी डाकघरों में होर्डिंग भी लगाए गए हैं। मेन चौक चौराहा पर भी होर्डिंग लगाया गया है जिससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।